लिख दो ऐसी कहानी कि दुनिया सुनती रहे। गजरोला में एक बच्चा वो भी हुआ था, एक बच्ची वो भी हुई थी। उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले में गजरौला कस्बे में इस वक्त हूँ। शाम के 5 बजे आज सुबह सुबह यहाँ पर मेरी हाजिरी हुई। और यहाँ पर साहित्य एकेडमी जो नीट IIT की तैयारी कराता है दिल्ली में, जो पूरा सेंटर है, उसने यहाँ पर अपना फ्रेंचाइजी सेंटर खोला है। ये है वो फ्रेंचाइजी सेंटर। गजरौला के बच्चों को अब गजरौला से बाहर नीट IIT JEE की तैयारी करने के लिए जाना नहीं होगा। उसके लिए द हिंदू एकेडमी के सेंटर यहाँ पर काम करेगा। फ्रेंचाइजी ही है चंद्रशेखर आजाद ने। और यहाँ पर उनका कहना है कि हम बच्चों को वो माहौल प्रोवाइड करेंगे ताकि बच्चे घर से बाहर जाए बगैर जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम है उसकी तैयारी कर सके। हमारा रूरल एरियाज है, वहाँ का जो बच्चा है, नो डाउट उसे रिसोर्सेज और फैसिलिटीज तो वो चीज़ प्रोवाइड नहीं है, लेकिन बहुत सारे जो डिस्ट्रक्शंस हैं जो शहर के बच्चे में होते हैं, दोस्ती का, घूमने का, मॉल्स का, बहुत सारे एक ऐसे एनवायरनमेंट होता है जहाँ बच्चा इन्वॉल्व होता है, वो रूरल वाला बच्चा नहीं होता है। इन्हें सिर्फ और सिर्फ माहौल की और इन्हें थोड़ी सी फैसिलिटी देने की ज़रूरत है। बट ये हीरे हैं जो तराशे नहीं गए हैं, ये मैं उम्मीद करके चल रहा हूँ। और हम यही उम्मीद कर रहे हैं कि पहले ही साल में एक बड़ा रिजल्ट हम यहाँ पे दे पाएंगे। देखिए, गजरौला एक जंक्शन जैसा है इस ज़िले के हिसाब से और क्षेत्र के हिसाब से भी। और यहाँ मैं देखता था कि CBSE बोर्ड के भी कई सारे अच्छे स्कूल्स भी हैं, उनके रिजल्ट्स भी ठीक ठाक रहे हैं पिछले दिनों, लेकिन कंपटीशन में सिलेक्शन का रेट बड़ा कम रहा है। मतलब तो बच्चे हाई स्कूल इंटर में अच्छे मार्क्स ला के भी बहुत ज़्यादा उतने सफल नहीं हो पाए। उसका एक रीज़न मुझे ये लगा कि जो बच्चे यहाँ से अच्छे मार्क्स लेके 12th भी पास कर रहे हैं और जब वो बाहर जा रहे हैं तो शायद वो परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे हैं। कई सारे रीजंस हो सकते हैं, पेरेंट्स जागरूक हैं नहीं हैं या कम जागरूक हैं। पेरेंट्स सब अच्छे होते हैं, सभी चाहते हैं कि अच्छा करें, लेकिन कई बार उतना गाइड नहीं कर पाते पेरेंट्स और बच्चे फिर बाहर जाते हैं और बाहर जाके कई बार वो उतना सीरियसली पढ़ाई को लेते भी नहीं हैं। नूर सर से बातचीत हुई, एक प्रयास किया हम लोगों ने मिलकर कि भाई यहाँ पे क्यों ना वो सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल कराई जाएँ, तो कोटा और दिल्ली जैसे बड़े जगहों पे अवेलेबल कराई जा रही है, तो हम निश्चित रूप से अच्छे रिजल्ट्स यहाँ से देंगे गजरौला से। मैं अभी पिछले ही एग्जाम में अपनी बेटी को BRD कॉलेज मिला है मेरी को, तो मैं अपनी बेटी को वहां तक पहुंचा पाई हूँ। मैं यही चाहूंगी कि जो बच्चे यहाँ इस सेंटर पे आएंगे, मैं पूरी कोशिश करूंगी, मदर टच दू और मैं वहां तक पहुंचा सकूंगी। इस अवसर पर द हिंदू एकेडमी के मैनेजिंग डायरेक्टर नवाज खान ने बच्चों से क्या कहा। लिख दो ऐसी कहानी कि दुनिया सुनती रहे। गजरौला में एक बच्चा वो भी हुआ था, एक बच्ची वो भी हुई थी, ऐसे मेहनत करती थी, ऐसे पढ़ती थी, ऐसे लिख के चले जाओ ना। जिंदगी वो हो जो जिंदगी के बाद भी हो। आप स्कूल से निकल जाएं, लोग आपको याद करते रहे, टीचर्स, स्टूडेंट्स, अरे वो भी स्टूडेंट थे। तो कुछ ऐसा सोच लो, जिस दिन सोच लोगे उस दिन करने की हिम्मत आ जाएगी। हमने अभी सोचा नहीं, जब हमने सोचा नहीं है तो हम करेंगे भी नहीं। बस लास्ट 3 बातें बता के खत्म कर दे रहा हूं बेटे। हमेशा हर चीज 3 फेज में चलती है। दुनिया की कोई भी चीज ले लीजिए, कोई भी टास्क ले लीजिए, कोई भी काम लीजिए, 3 फेज में चलता है। पहला हम उसके बारे में सोचते हैं, पहला, दूसरा फिर हम बोलते हैं, जरूर बोलते हैं, डिस्कस करते हैं। अगर भूख भी लग रही है ना, अगर दिमाग में आ रहा है कि टीचर पका रहा है, सर अब बाहर जाओ आप, तो आप क्या कर रहे हो, सोच रहे हो। तो किसी से बोले छोड़ो यार, क्या है या नहीं है, ये सच्ची है। जहां बैठे वहां मैं बैठा था, हम भी इसी तरह से बातें करते थे, तो वो सच्चाई है। तो सबसे पहले हम सोचते हैं, थॉट्स, देन वर्ड्स एंड डिस्कशन, एंड फाइनल इज द एग्जीक्यूशन। फाइनल इज द एग्जीक्यूशन। बेटे अगर आपने सोचा ही नहीं कि मुझे टॉप करना है, तो क्या आप एग्जीक्यूशन होगा? तो व्हाट इज द फर्स्ट फेज? थॉट्स, सोचना। यार सोच के तो देखो। ब्यूरो रिपोर्ट, एशिया टाइम्स, गजरौला।